कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा एवं निगम आयुक्त रोहित व्यास जेपी स्कूल बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का उन्होंने स्वयं खेल में शामिल होकर उत्साहवर्धन किया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में शामिल होने पहुंचे कलेक्टर श्री मीणा ने भंवरा अपने हाथ में लिया, तो वहीं निगम आयुक्त रोहित व्यास ने पिट्ठुल में एक कुशल खिलाड़ी की तरह बेहतर प्रदर्शन किया। कलेक्टर ने कहा कि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। वहीं जहां छत्तीसगढ़ी परंपरा से जुड़े हुए खेल को खेलने का मौका मिले तो निवासरत लोगों के लिए इसका उत्साह और भी बढ़ जाता है। जब से खेल का आयोजन प्रारंभ हुआ है तब से लेकर प्रतिदिन खेल खेलने वालों में गजब का उत्साह दिख रहा है। महिला हो चाहे बच्चे हो युवा हो सभी खेल में शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन सभी जिलों में किया जा रहा है। वहीं इस खेल को लेकर शहर में भिलाईवासी काफी उत्साहित हैं और हर दिन खेल प्रांगण में पहुंचकर खेल में अपना दमखम साबित कर रहे हैं। शहर के महापौर नीरज पाल ने जनप्रतिनिधियों के साथ छत्तीसगढ़िया खेल का खूब लुत्फ उठाया और जमकर खेल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। देखिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का खेल हमारे यहाँ 6 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये सभी क्षेत्रों में इसका जो आयोजन है वो हो रहा है। भिलाई में इसको लेकर काफ़ी लोग उत्साहित है और अभी तक जो है 2000 से अधिक की संख्या में जो है हमारे यहाँ काम हो चुका है इस पर, और जो खिलाड़ी हैं वो युवा और बुजुर्ग, इसके अलावा जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो अन्य महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं, उत्साह के माध्यम से भाग ले रहे हैं। माननीय कलेक्टर महोदय और आयुक्त महोदय ने खुद जो है खेल में शामिल होकर खेल खेल कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया, बाकी जो जितने भी खिलाड़ी थे उनका उत्साहवर्धन किया है। और बहुत अच्छा है कि जो मोबाइल की जिस दुनिया में अभी लोग जी रहे हैं उससे भी जो है हम कहीं ना कहीं कुछ दूसरे दिशा में जा रहे हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का जो विकास है वो भी इसमें देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेल जिसको लोग भूल चुके थे उसको लोग जो है अपना रहे हैं वापस से। भिलाई निगम ने अपील की है कि 11 अक्टूबर तक प्रथम चरण के खेल का आयोजन होना है जिसमें अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो सकते हैं। विजेताओं को अगले चरण के खेल में भाग लेने का मौका मिलेगा और वह पुरस्कार भी अर्जित कर सकेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।